एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानी खुर्द में स्थित अमानुल्लापुर गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 8 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान जितेंद्र हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 170 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव के प्रधान द्वारा 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं और 10 हैंडपंप लगवाने की सरकार से दरकार है, जिससे गांव में पेयजल की परेशानी ना हो। वहीं विद्युत आपूर्ति के लिए गांव में 100 विद्युत पोल व 7 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 15 सोलर लाइटें भी वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, लगभग 170 शौचालय, नाले तथा तालाब के निर्माण भी ग्राम निधि से करवाया है। वहीं एबीपीएस न्यूज से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में एक पंचायत घर, एक कन्या विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, बारात घर, एक ग्रामीण बैंक, शमशान घाट का सौंदर्यकरण, 8 सीसीटाइज रोड के निर्माण की मांग केंद्र में राज्य सरकार से की है। मैं जितेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान अमानुल्लापुर, विकास खंड जानी खुर्द। मैंने अपने गांव के विकास के लिए 15 सोलर लाइट, 9-10 गली सीसी रोड और टाइल्स, और जी नाला तालाब की सफाई, और जी 170 शौचालय का निर्माण, और जी गांव में 13 लोही आवास बनवाए हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे गांव में अभी और आवास की आवश्यकता है, और सीसी रोड बननी चाहिए। हमारे गांव में हॉस्पिटल, स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, और जी पंचायत घर, बारात घर, और बिजली की व्यवस्था के लिए, और ट्रांसफार्मर, और जी लोगों की विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और काफ़ी समस्याएं हैं हमारे गांव से। जल निकासी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की टंकी, और क्या, और बहुत सी ज़रूरतें हैं जो हमारे गांव में नहीं हैं। बैंक की बहुत आवश्यकता है हमें, और जी काफ़ी समस्याएं हैं गांव में जो भी अधूरी हैं बस।